हेलो क्लास एट, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब आपकी साइंस की वीडियोस स्किप नहीं होंगी, तो हेयर आई एम विद दैट टॉपिक दैट वी विल कंटिन्यू। लास्ट की वीडियोस में हमने माइक्रोब्स के ऊपर डिस्कशन किया था और हमने ये देखा था कि दोनों पहलू देख लिए थे, है ना। हमने माइक्रोब्स कैसे यूजफुल है और कैसे हार्मफुल है उसका एक बस बेसिक सा फ्लो चार्ट बनाया था। आज हम उसकी यूजफुल वाली चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जिसको आप अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, आपको पता नहीं होता कि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, लेकिन होते हैं। चलो एक मज़े की बात और बताती हूँ। हमारी जो इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो माइक्रोब्स का घर होती है। पता है उस इंटेस्टाइन में 500 से ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपको बहुत सारी डिसीजेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसका मतलब कि माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है, वही हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैं थोड़ा छोटा में लिख देती हूँ, माइक्रोब्स एज आवर फ्रेंड्स, ठीक है। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग होने में ही कि माइक्रोब्स कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। चलो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले खाने की बात से शुरू करेंगे। मैं भी बहुत फूडी हूँ, आप भी हो रहे होंगे, ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, तो सबसे पहले खाने की बात करेंगे। क्या करेंगे? माइक्रोब्स इन फूड इंडस्ट्री, कहाँ कहाँ पर फूड इंडस्ट्री में हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं या फिर माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। एक तो मैंने आपको कल बता दिया था कहाँ पर, कर्ड में। अब आप पूछोगे कि कर्ड में माइक्रोब्स कहाँ से आए, हमने तो जो अपना दूध है उसमें तो माइक्रोब्स होते नहीं है। इनफैक्ट वहाँ से माइक्रोब्स को हटाने के लिए ही दूध को बॉयल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन मेथड। हम सबको पता है ये बात, है ना। तो जब दूध में नहीं थे, उसी दूध का हम दही बना रहे हैं, तो वो माइक्रोब्स कहाँ से आए? जब भी आपने देखा होगा अपने घर में दही जमाते हुए, तो आपने क्या देखा होगा, एक चम्मच भर के उसमें, उस दूध में, हल्के से गुनगुने दूध में क्या करते हैं, वो जो इनोक्यूलम है, मतलब चम्मच भर के जो हम दही डालते हैं, जैसे हम अपने आम लैंग्वेज में जामन बोलते हैं, वो डालते हैं उसके अंदर, वो जो चम्मच भर के आपने उसमें इनोक्यूलम डाला, दैट कंटेन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो इनोक्यूलम था हमारा कर्ड का, इट कंटेन्स दी बैक्टीरिया दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर अगर हम उसको साइंटिफिक नेम दें तो दैट इज दिस लैक्टोबैसिलस। बैसिलस से क्लियर हुआ कि ये बैक्टीरिया है, लैक्टो से क्लियर हुआ कि मिल्क में जो लैक्टोज एंजाइम प्रेजेंट रहती है ये बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेगा और हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो बैक्टीरिया कहाँ से, आपने खुद डाले ना वो चम्मच भर के जो दही आपने जामन लगाया उसमें, तो दैट कंटेन्स द बैक्टीरिया, सो दैट मिल्क गेट्स कन्वर्टेड टू द कर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एलएबी और लैक्टोबैसिलस, ठीक। पहला एग्जाम्पल हमारा कर्ड का सिंपल सा था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे की बात आते हैं फूड इंडस्ट्री में, पहला ये हो गया। दूसरा बताऊं कहां पर होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ है। आप जब भी मार्केट से ब्रेड खरीदने जाते हो, बर्गर के पाव खरीदते हो, पाव भाजी वाले पाव खरीदते हो, तो क्या देखते हो, वो सॉफ्ट है कि नहीं, वही देखते हो ना। सबसे पहली चीज़ फ्रेशनेस की, हमें उसके सॉफ्ट या फ्लफी नेचर से पहचान में आती है, ठीक है। आप सबके मुंह में बर्गर और पाव भाजी सुन के नाम याद आ गया, सबके दिमाग में आ गया होगा कि ये भी खाने की चीज़ें होती हैं, मम्मी से बोलना कि घर में बनाएंगे, और खुद भी उसमें हेल्प करना, सिर्फ मम्मी को मत बोलना, ठीक है। तो उस बेकिंग की इंडस्ट्री में कैसे माइक्रोब्स यूजफुल हैं, वो है होती है ईस्ट। हमारे कर्ड में क्या गया, बैक्टीरिया, लेकिन हमारी बेकरी इंडस्ट्री में क्या गई, ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट जो होती है ये हमारा जो फ्लफीनेस है, हमारी बेकरी का ब्रेड हो गया, पाव हो गया, इन सब की फ्लफीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, जब हम अपना डो बनाते हैं, ब्रेड का डो बनाया,
ठीक है, इंडस्ट्रीज ने या जो भी है, हम जितनी भी बेकरी ले लो, मैं बार बार नाम नहीं लूंगी वरना बार बार वही चीज दिमाग में आएगी और आप लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, और सिर्फ बर्गर पिज्जा ही दिमाग में घूमता रहेगा, तो उस चीज को नहीं बोलूंगी मैं बार बार। बेकरी इंडस्ट्री में जब भी आपने किसी भी ब्रेड का डो बनाया तो उसमें हम क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद बोला है मैंने, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे माइक्रोब्स यूजफुल हैं। वीडियो खत्म होने के बाद यूट्यूब पर ही ब्रेड बनाने की, पाव बनाने की, पिज्जा बेस बनाने की रेसिपी देखना। उसमें वो लोग क्या ऐड करेंगे, थोड़ी सी ईस्ट ऐड करेंगे, पाउडर के फॉर्म में होगी वो ऐड करेंगे। वो इसीलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो डो बनने वाला है उस डो में प्रेजेंट जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ईस्ट उस डो पर एक्ट करेगी और कौन सा प्रोसेस कराएगी वहां पर, फर्मेंटेशन। बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट ईस्ट परफॉर्म विद इन दिस पर्टिकुलर डो, व्हाट हैपेंस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। This release of carbon dioxide gas in turn makes our bakery items fluffy. That is all we require. अगर tight होगी bread या आपके जितने भी ये चीज़ें हैं ये tight होंगी तो आपको लगेगा कि fresh नहीं है। ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेश नहीं होती, उसका भी एक अलग रीज़न है जो हम आपको इस लेवल पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है फर्मेंटेशन के टाइम पर, जब ईस्ट इस डो की स्टार्च के ऊपर एक्ट करती है, किसके ऊपर एक्ट करेगा, स्टार्च के ऊपर, तो जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और फर्मेंटेशन के थ्रू CO2 गैस रिलीज करेंगे। जैसे ही CO2 गैस रिलीज होगी वैसे ही वो फ्लफीनेस उस हमारी इंडस्ट्री, उस हमारे प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया बेकरी इंडस्ट्री में। तीसरा, चलो और पानी लेके आते हैं आपके मुंह में, कुछ भी बनवा लेना, ठीक है। साउथ इंडियन फूड, जितना भी साउथ इंडियन फूड है, इडली हो गया, डोसा हो गया, इन सब के बैटर को भी अगर आपने देखा होगा तो आपकी मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको बैटर बनाने के बाद थोड़े टाइम के लिए उसको साइड में रख देती हैं। क्यों रखती हैं, अगेन फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इस जो भी बैटर है उससे भी यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जिसके वजह से हमारा जो बैटर है वो डबल क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस उसका भी वही सेम नेचर, इडली जो है वो फ्लफी बनेगी, टाइटिंग बनेगी, क्यों, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर उसमें अच्छे से हुआ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई होगी जिसकी वजह से उसने जो बैटर है उसको फ्लफी बनाया होगा। उसको चेक करने का भी एक तरीका होता है जो आप अपनी मम्मी से पूछेंगे, ठीक है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में भेजेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो बैटर है वो फ्लफी हो गया, ठीक है। आप कैसे पता चलेगा कि हाँ अभी अच्छे से फर्मेंटेड है, अब हम इसको अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, इडली है, डोसा है, इन सबको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ढोकला भी इसी तरीके से बनता है, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें याद दिलाई ना मैंने खाने के बीच में। चलो ये तो हो गया, ये चौथा कैसे और फूड इंडस्ट्री में हेल्पफुल है, अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूजफुल होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। कैसे, अगेन ईस्ट क्या करेंगी, फिर से फर्मेंटेशन करेगी। अब यहां पर फर्मेंटेशन, यहां पर किसके ऊपर फर्मेंटेशन हुआ था, डो के ऊपर, अब किसके ऊपर फर्मेंटेशन होगा, हमारे फ्रूट्स के ऊपर। जब हम एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, इन सब के ऊपर इस ईस्ट को फर्मेंटेशन के लिए लगाते हैं तो इसकी भी जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होती है और अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, अब हमें मिलेगा अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के कंटेंट पर डिपेंड करता है कि बेवरेज कितना यूजफुल है। हर चीज़ की अति हमेशा ही बुरी होती है, लेकिन अगर हम उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। जैसे कि अब अल्कोहल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अल्कोहल को ऐड किया जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को फुलफिल कराने का काम करता है। तो अगर इसको लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इतने हार्म नहीं होंगे जितने कि हमको दिखते हैं।
ठीक है, लेकिन द क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आप लोगों ने इंग्लिश विंग्लिश पिक्चर देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अगर मूवीज देख रहे हो तो ये मूवी जरूर देखना। उस मूवी में अमिताभ बच्चन जी, मतलब हमारे अमित जी भी ये बोलते हैं कि अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेड वाइन इज इन फैक्ट वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। तो वो भी इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि उसमें इन फ्रूट्स का जूस ही होता है, अल्कोहल कंटेंट बहुत कम है, फ्रूट्स का जूस है जो हमारे फर्मेंटेशन के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया कि हम उससे अपना जो डाइजेशन है या अपना जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको तेज कर पाए। लेकिन 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 इस बात को गलत नहीं लेंगे, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि मैम ने बोला है रेड वाइन पियो तो बस अब तो बॉटल लेके ही बैठेंगे पूरा ग्लास। क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा अगर हम और जगह पर बात करें, इस एल्कोहल प्रोडक्शन के अलावा कुछ ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के थ्रू ही बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आएगा हमारा एसिटिक एसिड। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के थ्रू ही मिलता है। वो माइक्रो बैक्टीरिया कौन सा है? एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हमें मिलता है एसिटिक एसिड। इसके अलावा अगर एक और की बात करें तो हमें मिलेगा विनेगर। विनेगर भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरका, जो आप लोगों के घर में पिकल्स के प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता होगा। बाकी सिरके का प्याज है, ये सब भी आप खाते होंगे, स्पेशली जब रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, है ना, खाने के साथ। एसिटोबैक्टर मैलोरम, ये है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम जिससे हमें ये विनेगर मिलेगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, कभी भी गलती नहीं करना इसको लिखने में वरना मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। मैं सिर्फ राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, बोलने में नहीं होता, लिखने में होता है। ठीक है, तो व्हेनेवर यू राइट द नेम ऑफ एनी बैक्टीरिया दैट टू द साइंटिफिक नेम यू हैव टू अंडरलाइन देम सेपरेटली। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दिस जीनस इज कैपिटल एंड दिस स्पीशीज इज स्मॉल, ऑलवेज फर्स्ट अल्फाबेट, ये उसका क्राइटेरिया है लिखने का। ठीक है, तो ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कुछ यूज हमारी फूड इंडस्ट्री में। पहले हमने किसकी बात करी थी? फूड इंडस्ट्री में। तो ये हो गए कुछ ऐसे एग्जांपल्स। इसके अलावा हम मेडिसिन वाली और बात कर लेते हैं। उसके अलावा जो भी कुछ है और बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फूड इंडस्ट्री की बात हो गई। अगर समझ में नहीं आया कहीं पर भी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस चीज़ को वापस से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं साइंस को लेकर स्पेशली, दैट मीन्स आपको सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आएगा हमारा इन मेडिसिन। मेडिसिन में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले आती हैं एंटीबायोटिक्स। चलो मैं सिर्फ हिंट दे देती हूँ, बाकी का जो डिटेलिंग है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगी हमारी क्या? एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स वही है जो आपको जब भी फीवर होता है या कोई भी डिसीज होती है जो कम नहीं हो रही होती, स्पेशली जब वायरल होता है तब डॉक्टर्स हमें ये एंटीबायोटिक्स ही सजेस्ट करते हैं ताकि इसको लेकर हमारे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम निकाल सकें या उनको हम मार सकें। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स भी हमारे जो हैं वो बैक्टीरिया से ही या वायरस से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे वो आएगी हमारी वैक्सीन्स वाली पार्ट। ये वैक्सीन आपके बचपन में भी आपको बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे वैक्सीन्स के तौर पर, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो अपनी मम्मी से पूछो कि कितने सारे इंजेक्शंस लगे होंगे आपकी मम्मी के पास। अभी तक वो लिस्ट होगी या वो डॉक्टर वाला चार्ट होगा जिसमें वो इंजेक्शन लिस्ट लिखी हुई होती है कि इस टाइम पर ये लगेगा, इस टाइम पर ये लगेगा, इतने वीक्स के बाद ये लगेगा। तो सब वो सब क्या होती हैं? वो सब वैक्सीन्स होती हैं।
ये वैक्सीन भी हमको इसीलिए दी जाती हैं ताकि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो उन डिसीजेस के लिए हम पहले से तैयार करके रखें, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में हमारे अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो हम उसको अवॉइड करवा सकें या उससे हमारी बॉडी फाइट करने के लिए हमको यूज़फुल चीज़ें दे पाए एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल है। एक नाम याद कर लो जो आपको नेक्स्ट वीडियो में काम आने वाला है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दिस पर्सन हैज मेड अ वंडरफुल एंटीबायोटिक दैट इज नेम्ड एज पेनिसिलिन। एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक ऐसी एंटीबायोटिक डिस्कवर करी जिसका नाम था पेनिसिलिन। और ये ऐसे डिस्कवर हुई कि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल की लाइफ को सेव किया था। तो ये उस टाइम के लिए एक सुपर मेडिसिन साबित हुई थी जिसके लिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दो और साइंटिस्ट के साथ नोबल प्राइज भी मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो वो कैसे मिला, क्यों मिला, किसके साथ मिला, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप कि इतना आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में भेजिए मेरे को। अदरवाइज जो शिक्षक जंक्शन चैनल की जीमेल आईडी है आप उस पर भी मेल कर सकते हैं। बट For that, you have to be regular and you have to be continuous in watching our videos. You don't even try to skip the video, क्योंकि बीच बीच में ऐसे बहुत सारे facts होते हैं, ऐसे बहुत सारे punches होते हैं जिससे आपकी video interesting बनती है और आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और साथ साथ खाने का भी मन करता है अच्छी चीज़ें। ये तो चैप्टर ऐसा ही है जिसमें ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप मिस आउट कर जाएंगे, सो डो नॉट ट्राई टू स्किप द वीडियोस। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी हार्ड बिकॉज इट्स योर टाइम टू स्टडी, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय। थैंक यू।